लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी, पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार की प्राथमिकताओं में आदिवासियों का हित शामिल, मानपुर में लिए चुनावी सभा। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल शाम से बस्तर में थम जाएगा प्रचार प्रसार का शोर। और जश्न ए जशपुर, लोकतंत्र कार्यक्रम के जरिए शत प्रतिशत मतदान के लिए किया जा रहा है प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात बीजेपी के संकल्प पत्र की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ये घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता, किसानों की आय दोगुनी करने और महिलाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी ने आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने और इससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को अधिकार देने का संकल्प दोहराया है। संकल्प पत्र की मुख्य बातों को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मूलधन चुकाने की शर्त पर किसानों को बिना ब्याज के 5 वर्ष तक के लिए 1 लाख रुपए का कृषि ऋण उपलब्ध कराएगी। व्यापारियों के लिए 50 लाख रुपए तक बिना जमानत के ऋण देने की नई योजना शुरू करने का भी वायदा किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रवाद प्रेरणा है, अंत्योदय दर्शन है और सुशासन मंत्र है। इसी आधार पर यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022, आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज भी उपस्थित थे और भाजपा घोषणा पत्र जारी होने के बाद एक बार फिर नए सियासी बयानों का दौर शुरू होगा। इधर प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में आदिवासियों का हित शामिल है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मानपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि सरकार आदिवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस की सरकार जितना आदिवासियों के लिए किया है, वनांचल में रहने वालों के लिए किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। 15 लघु अनुपज हम लोग खरीदने का फैसला किए हैं। लोहांडी गुड़ा में टाटा की जमीन को आदिवासियों को हमने वापस कराया है।
4000 रुपया प्रति मानक बोरल दर से हम तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं। जितने भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो पट्टा देने का काम, वनाधिकार पट्टा देने का काम भी सरकार कर रही है, आदिवासियों के हित में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और ये बात जनता देख रही है। प्रवास के दौरान श्री बघेल ने मानपुर में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया। उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया है कि राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा अपनी जीत दर्ज कराएगी। दूरदर्शन संवाददाता निखिल सिंह से जगदलपुर में चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि विकास कार्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। चुनाव है, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है या नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है? नहीं, राजनीतिक दृष्टि से तो बीजेपी है, मगर आज ये मोदी जी से बड़ा नाम नहीं है। मोदी जी का व्यक्तित्व और मोदी जी ने जो काम किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है, तो इलेक्शन निश्चित रूप से मोदी जी के नाम से लड़ा जाए। कितनी सीटें आपको उम्मीद है? कांग्रेस कह रही है इस बार हम उसको उलट देंगे, जो 10:1 था वो 1:10 कर देंगे, क्या लग रहा है आपको? कह रहे हैं कि जो विधानसभा के परिणाम थे वही दोहराएंगे। विधानसभा के ख्वाब देखना बंद करें और हम इस बार सभी 11 सीटों में मजबूती से लड़ रहे हैं और अधिकांश सभी सीटों में हम बढ़त बनाएंगे। तो रमन सिंह को पूरी उम्मीद है कि वो सभी 11 सीटों को जीतेंगे और बीजेपी एक बार फिर यहां जीत का परचम फहराएगी। कैमरामैन मनोज लोखंडे के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, जगदलपुर। डॉक्टर सिंह भी सक्रिय हैं। इस बीच आपको बता दें कि डॉक्टर सिंह चुनावी प्रचार अभियान में जगदलपुर पहुंचे हुए थे। और अब बात लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज 2 दिनों का ही समय शेष रह गया है। माओवाद प्रभावित बस्तर संसदीय क्षेत्र में 11 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। यहां चुनाव प्रचार अभियान कल से थम जाएगा। इस संसदीय क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कल दोपहर 3 बजे और 4 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे से चुनावी सभाओं और रैलियों पर रोक लग जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार और उनके समर्थक केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। 11 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं। प्रचार प्रसार के लिए बीते कुछ दिनों से यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके तहत भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चुनावी सभा ली। इसी तरह राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आम सभाएं लेकर मतदाताओं का समर्थन मांगा है। में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात हैं। पुलिस महानिदेशक एंटी नक्सल ऑपरेशन गिरधारी नायक ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। और मतदान पार्टियों की सुरक्षा, ईवीएम की सुरक्षा के लेकर ये सबसे अहम मुद्दा है और इसको ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक कार्रवाई करें। और इसको मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि सुरक्षा की मुद्दा है, ये खुलासा करने में उचित नहीं रहेगा। क्षेत्र की बस्तर के जो करीब 1800 पोलिंग बूथ है उसमें से 1/3 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। इसको ध्यान में रखते हुए, नक्सल संवेदनशीलता के ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई किया गया है। हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था किया गया है, कितनी शॉर्टेजों का कहां से होगा ये नहीं बताएंगे। तो आपको बता दें कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र जहां 11 अप्रैल को मतदान होना है वहां भाजपा उम्मीदवार वेदुराम कश्यप और कांग्रेस के दीपक बैज सहित कुल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के निर्वाचन में शामिल महासमुंद संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस की टीम फरार वारंटियों की धरपकड़ कर रही है। अब तक 1000 से अधिक फरार वारंटियों को ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा से गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 11 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही हथियार जमा करने, नशीले पदार्थ बरामद करने और संदिग्ध वाहनों की जांच की कार्रवाई भी चल रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने सुरक्षा के मद्देनजर
उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से जानकारी दी। मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश दिए गए हैं कि वारंटियों की धरपकड़ की जाए, ऐसे आदतन अपराधी जो लंबे समय से बाहर हैं उस पर एक विशेष कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1100 ऐसे वारंटियों को जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट थे जनवरी से उनको अलग अलग प्रदेशों से उनको पकड़ के लाया गया है और 400 इसमें से संख्या ऐसी है जो लगभग अभी जब से आचार संहिता लगी है 10 मार्च से तब से लोगों को पकड़ा गया है और ऐसे सभी लोगों को न्यायालय में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। दूसरी जो बड़ी कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं कि शस्त्र जो अवैध हथियार हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। 11 आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है और लाइसेंसियों के हथियार चुनाव आयोग के निर्देश रहते हैं कि जमा कराए जाए, जिसमें 306 थे जिसमें लगभग 260 के आसपास जमा करा लिए गए हैं, बाकी लोगों ने छूट के लिए आवेदन दिया है। ये तो बात ही दूसरे चरण की, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव में शामिल रायपुर लोकसभा क्षेत्र में भी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम वाहनों की सघन जांच कर रही है। रायपुर जिले के प्रवेश सीमाओं में आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। और इन दिनों जशपुर लोकसभा क्षेत्र में जश्न ए जशपुर लोकतंत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वीप के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मशाल रैली भी निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी नीलेश कुमार की अगुवाई में निकली इस रैली के जरिए पूरे नगर का भ्रमण कर मतदाताओं को वोट करने का संदेश दिया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकगण, स्वयंसेवी और समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारी, विद्यार्थी, खिलाड़ी और सीआरपीएफ के जवानों के साथ आम लोगों ने भी भागीदारी की। रैली में शामिल लोगों ने घर घर संदेश पहुंचाना है, वोट देने जाना है जैसे नारे भी लगाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे आयोजनों के जरिए लोगों से बिना किसी डर, भय या प्रलोभन के वोट डालने की अपील की जा रही है। जश्न जशपुर के अंतर्गत स्वीप की विभिन्न गतिविधियां जिलों में आयोजित किया जा रहा है। उसका यह उद्देश्य यह है कि लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करना और अच्छे से बिना किसी भय लालच में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके तारतम्य में आज ये मशाल रैली निकाली गई थी। इसके बाद भी कुछ अन्य जैसे क्रिकेट मैच तथा हार्ले डेविडसन की रैली का प्लान किया गया है। सभी जो भी गतिविधियां हैं उसको इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत देश के महात्योहार के रूप में मनाई जा रही है। मैं सभी नागरिकों को जशपुर ज़िले के निवेदन करना चाहूँगा कि 23 अप्रैल को जब मतदान होगा आप अपने सभी मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। आपको बता दें कि जशपुर संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है। और 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर युवा मतदाता बहुत ही उत्साहित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में युवा मतदाता अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये युवा मतदाता किस आधार पर अपना जनप्रतिनिधि तय करेंगे, इसे लेकर सबकी अलग अलग राय है। हमारे दूरदर्शन संवाददाता ने भिलाई स्थित BIT में युवा मतदाताओं से बातचीत की। करप्शन क्या है ना, जड़ से जो मतलब वो शुरू हुआ है ना वो अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। मतलब मुझे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे वो BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मतलब करप्शन जब तक देश से हटेगा नहीं ना तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगी। करप्शन एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो को पार्टी मतलब पार्टियों को फोकस करना चाहिए और उसी को लेके एक मतलब मुद्दा बना के आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो गरीबी हटनी चाहिए जितनी हो सकती है और स्वच्छता की ओर जैसे काम हो रहा है वही होना चाहिए। जैसे मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस हिसाब से अभी 5 साल में जितना स्वच्छता की ओर काम हुआ है और हमारे दुर्ग स्टेशन को भी देखा जाए तो बहुत साफ है, पहले से काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, यही होना चाहिए। इंडिया के लिए मेन डेवलपमेंट ही अभी ज़रूरी है, डेवलपिंग कंट्री है। मैं सबसे पहले सभी मतदाताओं से यह अनुरोध करूँगा कि हमें विकास के मुद्दे को देखते हुए मतदान करना चाहिए। बस प्राथमिकता ये देनी चाहिए कि देश को जो गरीबी जो है उसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए तथा देश में रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा सबको सक्षम बनाने की और प्रगति की और देश को आगे ले जाने की। और मतलब अहम मुद्दा यही है कि देश का विकास को देख करके हमको मतदान करना चाहिए। तो देखा आपने, पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में इस चुनाव को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। युवाओं की अपनी सोच और अपने मुद्दे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।